राजकुमारी चारुमती एक दिन अपने महल के अंदर बैठी हुई थी। दिवाली के आसपास का टाइम था और उधर बाहर कोई एक आवाज आई कि भाई चित्र खरीद लो, पोस्टर खरीद लो, पेंटिंग खरीद लो। तो राजकुमारी ने अपनी नौकरानी को भेजा कि देख बाहर कौन है। एक बूढ़ी महिला पेंटिंग्स बेच रही थी। बुलाया उसको अंदर और उससे बुला के उसके पास बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग थी। राजकुमारी ने उससे पेंटिंग्स खरीदी। किसकी? भगवान राम की, कृष्ण की, शिव जी की, गणेश जी की, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर खरीद लिए। 5-7 फोटो उसने खरीद लिए हिंदू राजाओं के, पृथ्वीराज चौहान का, हमीर देव चौहान का, सांगा का, कुंभा का, प्रताप का, ऐसे पेंटिंग खरीदे। कई सारी पेंटिंग खरीदी तो वो महिला बड़ी राजी हुई। उसको लगा कमाई ठीक हो गई, आज अपने सुबह सुबह बुनी ठीक हुई। और उसने कहा कि राजकुमारी जब तुम इतनी पेंटिंग खरीद रही हो तो मेरे पास एक शानदार पेंटिंग और है, थोड़ी महंगी है बस वो पेंटिंग, तुम वो भी ले लो। बताओ किसकी पेंटिंग है? उसने एक बड़ा सा पोस्टर उसके सामने बिछाया। ये कौन है? उसने कहा ले तू इनको नहीं जानती, ये हिंदुस्तान के मुगल बादशाह, दिल्ली तख्त के, मुगल सल्तनत के जहांपना खुद, श्री श्री 1008 आलमगीर जहांपना औरंगजेब। उसने अच्छा ये क्या औरंगजेब, दे दे ये फोटो भी दे दे मेरे को, ये पेंटिंग भी चाहिए। उसने वो पेंटिंग भी ली, सारे पेंटिंग के रुपए दिए। बूढ़ी महिला जाने लगी तो उसने कहा रुक दो मिनट और रुक, तो अपनी जो सहेलियां बैठी थी उन सहेलियों का जूता उतारो और औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारो। तो सारी सहेलियों ने औरंगजेब वाले पोस्टर पे जूते मारे, जूते मारे तो पोस्टर बेचारा टोटे टोटे हो गया एकदम। उसने वापस दिया उसको पोस्टर और कहना औरंगजेब को ले जाके कहना तेरे कि चारुमती ने फाड़ा। वो बूढ़ी महिला गई दिल्ली, उसने दिल्ली ले जाके औरंगजेब को कहा कि बादशाह औरंगजेब मैं तो बता ही नहीं सकती, लड़की हो गई क्या क्या गालियां निकाली तेरे को, और ये देख तेरा पोस्टर चिंदी चिंदी करके रख दिया एकदम। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है कि यार मतलब रूपनगढ़ की राजकुमारी की इतनी औकात की मेरा पोस्टर फाड़ दे और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कहे। उसने हाथों हाथ रूपनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन मिलाया। भाई था चारुमती का, भाई था मानसिंह। क्या नाम था? मानसिंह का। मानसिंह मैं तुम्हारी बहन चारुमती से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात की औरंगजेब को मना करे, औरंगजेब 5 मिनट में ईंट से ईंट बजा के रख दे। उसने कहा भाई साहब आओ ना उससे 2 दिन पहले मिस कॉल करना, टेंट लगा लेंगे हम और क्या किया जा सकता कर देंगे। ये बात पता चली चारुमती की, मेरे घर वाले मेरी शादी किससे करने जा रहे हैं? औरंगजेब। और उसने अपने भाई को कहा ये क्या तरीका है, तुम मेरे से बिना पूछे मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? भाई ने कहा तो तुम हमसे बिना पूछे पोस्टर कैसे फाड़ सकती हो? कांड किया भुगतना पड़ेगा, अब क्या इलाज करें उसका। और उसने कहा नहीं तुम मेरी शादी औरंगजेब से नहीं कर सकते और तुम मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा औरंगजेब युद्ध करेगा उधर से, तो युद्ध करेगा लड़ लो, क्या फर्क पड़ता है, मरने से डरते हो तुम? उस भाई ने कहा बेट समझ तू, बात लड़ाई की नहीं है, बात डरने की नहीं है, 100 बार लड़ लेंगे 100 बार मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, फर्क इस बात का पड़ता है कि यदि औरंगजेब ने इस बात के लिए अटैक किया और हम लड़ाई करते हुए मारे जाएंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं है, औरंगजेब यहाँ पे कब्जा कर लेगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर औरंगजेब खार खाया हुआ जनता की लड़कियां उठा के ले जाएगा। राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना होता है, ये जनता जो हमें टैक्स देती है इनकी बहन बेटियां उठा के ले जाएंगे मुगल सारी की सारी, इसलिए इनकी बहन बेटियों को बचाने के लिए आवश्यक है कि तेरी एक की शादी औरंगजेब से कर दी जाए। उसने कहा नहीं ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है, और मैं औरंगजेब से शादी नहीं करूंगी और तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मैं खुद मेरी रक्षा कर लूंगी। भाई को गुस्सा है, भाई ने कहा देख ले तेरा जो करना है वो कर ले, हम तो शादी करेंगे। अब वो सोचे कि अब मैं करूं क्या, मेरी खुद की रक्षा तो कैसे करूं। और उसे याद आया कि थोड़े दिन पहले एक दिन टीवी में एड आ रहा था कि यदि किसी राजकुमारी से जबरदस्ती हो रही हो तो टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। हेल्पलाइन नंबर का बड़े उसने कहीं से राज सिंह जी के, और राज सिंह जी को मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए तथा मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर पे कोई मैसेज करके छोड़ दे। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, उन्होंने ठीक है, राज सिंह जी ने वापस भेजा कि थम्स अप, तुम तो कुकुपुत्री भेजो अपनी, कब ब्याह है तुम्हारा, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। उधर से आया भाई इतनी तारीख को औरंगजेब ब्याह करने के लिए आएगा, तो राज सिंह जी का चिंता मत करो मैं औरंगजेब से पहले आके तुमसे शादी कर लूंगा। अब राज सिंह ने औरंगजेब के पास मैसेज किया कि औरंगजेब वो जो तुम वहां पे रूपनगढ़ में शादी करने के लिए जा रहे थे वहां तुम नहीं जाओगे, वहां पर शादी करने के लिए मैं जाऊंगा। इस घटना से थोड़े दिन पहले एक जगह और पड़ती है रूपनगर, कौन सी जगह थी, जीलवाड़ा पड़ा था ना, जीलवाड़ा जहां पे मोकल को मारा था चाचा मेरा माँ बाप कुमार ने, वहां की कोई एक राजकुमारी थी रूपनगर की राजकुमारी थी चंचल कुमारी। क्या नाम था? चंचल कुमारी से औरंगजेब ब्याह करना चाहता था पर पहले जाके शादी करके कौन आ गया था, राज। तो औरंगजेब बड़ा गुस्से, औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, मतलब पहले वहां भी तुम,
कहते उस फूल ते ये नहीं चलेगा ऐसा, और यहां मैं शादी करूंगा, वहां तुमने चंचल कुमारी से कर ली, ठीक है अब चारुमती से मैं करूंगा। राशिन का तू नहीं समझ रहा है, मैंने डीपी देख ली, अब यहां मैं ही करूंगा, यहां मैं दूसरे किसी को नहीं करने दूंगा। तो औरंगजेब ने कहा इस बार लड़ाई होगी। राशिन का ठीक है लड़ाई सही, तो कोई दिक्कत नहीं। अब युद्ध का वो युद्ध क्या, शादी का टाइम नजदीक है, शादी का टाइम नजदीक है। तो राज सिंह जी ने अपने मंत्री वंत्री इकट्ठे किए सारे सामंत वगैरह, राज सिंह बड़े सीरियस मोड में सामने आके बैठे और मंत्रियों कहा कि आज मेवाड़ बड़ी एक दुविधा का सामना कर रहा है, मेवाड़ पर एक बड़ा भारी संकट आया। मंत्री ने कहा बताओ ऐसा क्या संकट आ गया, कहे अबला नारी मेवाड़ को पुकार रही है। मंत्री मन ही मन सोचे सर हर तीसरी आजकल अबला नजर नहीं आती, क्या हुआ साहब पूरी बात बताओ खुल के बताओ। तो कहा रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता है, मैं उसको वचन दे चुका हूं कि औरंगजेब से शादी नहीं होने दूंगा और मैं उसे शादी कर लूंगा। कल का वो दिन है जब उधर से औरंगजेब शादी करने के लिए आएगा और औरंगजेब सेना लेके आ रहा है, लड़ाई करनी पड़ेगी उसके साथ में। तो मंत्री ने कहा साहब ये छोटी सी बात है, ये कौन सा बड़ा संकट है, आप तो आराम से शादी करने के लिए पधारो, सेना को हम रोक लेंगे। कहां रोकना आप तो वो बता दो। तो राशि ने कहा कि औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोका जाए। कहां पे रोका जाए, अजमेर घाटी क्रॉस नहीं करना चाहिए औरंगजेब की सेना, तब तक मत क्रॉस करने दो जब तक मेरे फेरे ना हो जाए, जैसे मेरे फेरे कंप्लीट होंगे मैं खुद अजमेर आ जाऊंगा और औरंगजेब से लड़ लूंगा। सामंतों ने मंत्रियों ने कहा कि राजी खुशी आप तो पधारो, आराम से रूपनगढ़ शादी करने के लिए जाओ, हम औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम लड़ लेंगे वहां पे। मेवाड़ की सेना की तैयारी करने लगे। मेवाड़ की सेना में सबसे पहले कौन लड़ेगी, हरावल, हरावल में कौन लड़ेंगे, सलूम्बर। इन दिनों सलूम्बर का जो सामंत था उसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था, कहां का सामंत है, खानवा युद्ध में भी हमने रतन सिंह नाम पढ़ा था ना, दो है वो, फर्स्ट रहा होगा या सेकंड टाइप रहा होगा, वैसे रहा होगा दूसरा, उस टाइम भी दूसरा रतन सिंह है, ये अलग रतन सिंह है। तो सलूम्बर का सामंत उसका नाम क्या, रतन सिंह चुंडावत। तो मेवाड़ की सेना जाएगी तो सेनापति जाएगा, और मेवाड़ का सेनापति हमेशा कौन होगा, सलूम्बर का सामंत। सलूम्बर का सामंत कौन है, रतन सिंह चुंडावत। तो रतन सिंह चुंडावत को कहा गया, समाचार भेजा गया उनके पास में कि भाई आपको कल मेवाड़ की सेना लेके अजमेर जाना है। कहां जाना, अजमेर, और किसके खिलाफ लड़ाई करनी, औरंगजेब आ रहा है उधर से शादी लड़ाई करनी है, क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह जी शादी करने के लिए जा रहे हैं, किससे, चारुमती से, वो रूपनगढ़ जा रहे हैं चारुमती शादी करने, और आपको उधर औरंगजेब की सेना रोकनी, किसको समाचार मिले। अच्छा रतन सिंह चुंडावत को जिस दिन ये समाचार मिला था उस दिन खुद रतन सिंह चुंडावत का ब्याह हुआ था। ये बूंदी एक हाड़ी रानी से शादी करके आया था और उस हाड़ी रानी का नाम था सहल कंवर। हाड़ी रानी का नाम क्या था, सहल कंवर नाम था। ऐसे समाचार आज दिन तक दो ही लोगों के पास गए, या तो रतन सिंह और बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास युद्ध का समाचार जाता तब उसका नया नया ब्याह हो रखा होता है, या रतन सिंह जी जो सलूम्बर वाले थे उनके पास जब समाचार गया तब उनकी शादी किससे हो रखी थी और रतन सिंह ने मना कर दिया, उसने मैं आज जाऊं कल जाऊं, दिमाग खराब है राज सिंह जी का, मतलब खुद के ब्याह के चक्कर में लोगों को ब्याह बर्बाद कर दो, उनको नहीं दिख रहा मेरी खुद की भी आज शादी हुई है। ये बात पता चली उनकी रानी को, रानी का नाम क्या था, रानी तो क्या थी, पहले दिन शादी करके आई हुई दुल्हन, एक नवयुवती छोटी सी लड़की, उसको ये बात पता चलती है और उसने रतन सिंह जी को समझाया कि नहीं आपको युद्ध करने के लिए जाना चाहिए, मेवाड़ की परंपरा, मेवाड़ का रिवाज ये कहता है कि मेवाड़ की हरावल में हमेशा सलूम्बर के लोग जाएंगे, सलूम्बर का सामंत जाएगा और सलूम्बर के सामंत आप, इसलिए आपको जाना चाहिए। ये हरावल का अधिकार आपको इसलिए मिला हुआ है क्योंकि आपके एक पूर्व चुंडा ने मोकल के पक्ष में राज्य छोड़ दिया था, इसलिए कहा गया कि चुंडावत हमेशा मेवाड़ की हरावल में रहेंगे, यदि आज आप युद्ध करने नहीं जाएंगे तो आपसे हरावल का अधिकार छीन लिया जाएगा, आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए थू थू करेगी कि हमारा बीच में कोई पूर्वज था वो बेलखना निकल गया था जिसकी वजह से युद्ध करने नहीं गया, अतः हमसे हरावल का अधिकार छीन लिया गया, इसलिए रतन सिंह जी आपको युद्ध करने के लिए जाना चाहिए। रतन सिंह ने कहा कि मैं सब बातें समझता हूं तुम्हारी, लेकिन राज सिंह को भी ये बात समझनी चाहिए, जब मेरी आज शादी हुई है राज सिंह जी को इस बात का पता है तो फिर मुझे क्यों भेजा जा रहा है, कोई दूसरे को भी भेज देते। उसने पुनः समझाया कि दूसरा क्यों, चुंडा के वंशजों के पास ये अधिकार है कि वो हरावल में जाएंगे तो तुम जाओगे और कौन जाएगा। उस रानी ने ढंग से कई दर समझाया तो रतन सिंह जी तैयार हो गए, भाई ठीक है मैं युद्ध के लिए चला जाऊंगा। रतन सिंह जी अपनी सेना को इकट्ठा करके घोड़े वोड़े लेके वहां से रवाना हुए। नहीं नहीं शादी हो रखी हो आदमी की, कैसे जाया जाए ऐसे ही। और जैसे ही अपने घर के पास से निकलने लगे उन्होंने घर के ऊपर की तरफ देखा, घर के ऊपर की तरफ देखा तो वहां पे रानी खड़ी खड़ी झरोखों से देख रही थी, और रतन सिंह जी फिर खड़े हुए वहां पर, अपने पास में कोई फौजी था उसको कहा कि ऊपर जा, ऊपर जाकर रानी को कहे कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दे। क्या भेज दे, उन्होंने लगा वो चूड़ियां उड़ियां भेज देगी, कई देर चूड़ियां देख के टाइम पास करेंगे वहां पे और तो क्या करें।
कि हनुमान जी जब लंका के अंदर माँ सीता से मिले थे तो उन्होंने माँ सीता कहा था कि हे माँ सीते, जब मैं पुनः जाके भगवान श्री राम से मिलूंगा और कहूंगा कि माँ सीता से मिल के आया हूँ, वो मुझे पूछेंगे कि क्या गारंटी इस बात की कि मैं सीता से मिला था, तो आपकी कोई निशानी तो दीजिए। तो माँ सीता ने चूड़ियां उतार के दी थी, कही कंगन मेरे ले जाके भगवान श्री राम को देना, तो भगवान श्री राम समझ जाएंगे कि तुम सीता से मिल के आए। रतन सिंह जी को लगा अपने लिए कोई चूड़ियां अंगूठी कुछ ना कुछ तो आई जाएगी। वो गया ऊपर सैनिक और सैनिक ने जाके सहल कमर को कहा कि नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और रतन सिंह जी आपकी कोई ना कोई निशानी मांग रहे हैं। उस रानी को, उस सहल कमर को, उस नवयुवती को, नव दुल्हन को पुनः लगता है कि जो बंदा युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, युद्ध में जाने से पहले इतनी बातें सोच रहा है, इस बात की क्या गारंटी कि वहां जाके लड़ पाएगा। यह भी हो सकता है कि वहां जाने के बाद इसको पुनः मेरी याद आए और चलते युद्ध के बीच से भागकर वापस आ जाए, भगोड़ा कायर करार दिया जाए। और उसे लगा कि एक मेरी बुआ थी जिनकी शादी जोधपुर भी थी, और मेरे फूफा जी जब एक बार युद्ध से हारकर वापस आ गए थे तो मेरी बुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे, कैसे पति के होने से अच्छा पति हो ही ना, मैं पुनः उसी बूंदी के हाड़ाओं की पुत्री हूं और मेरा पति युद्ध में जाने से आनाकानी कर दे। मुझे लगा ये सब मेरी वजह से, मैं सुंदर हूं इसलिए मेरा पति युद्ध करने नहीं जा रहा। जब पुनः लगा कि फिर इस जीवन का, इस सुंदरता का क्या अर्थ है यदि राष्ट्र की रक्षा में बाधक बनती हो, यदि मेरी वजह से मेरी राष्ट्र की रक्षा ना हो पाए, पति युद्ध ना कर पाए, इससे अच्छा मरना ठीक है। वो अपना सिर काट के दे देती है, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतराणी। वो जब वो सर काट के वो नीचे लेके गया, सैनिक लेके गया, तब तो रतन सिंह के भी होश गुल हो गए और उसे लगा यार गलती तो कर गए। लेकिन रतन सिंह ने वो जो लाश थी, वो जो उसकी मुंडी थी, गर्दन थी, कहते हैं उसकी वो बाल थे, उन बालों को उसने यहां बांध लिया था गर्दन के अंदर। उस अजमेर वाले युद्ध में रतन सिंह चुंडावत भयंकर भयंकर लड़ा था, अजमेर वाली उस घाटी से औरंगजेब की सेना को उसने इंच क्रॉस नहीं करने दिया था। उस युद्ध में रतन सिंह चुंडावत लड़ता हुआ मारा गया था, लेकिन औरंगजेब रूपनगढ़ नहीं पहुंच पाया था। राज सिंह जी राजू खुशी चारुमती से शादी करके वापस पहुंचे। मैं कभी ये कहानी जब पढ़ रहा था तो कहानी में यूं था कि कहानी शुरू यहां से होती है कि एक दिन राज सिंह जी अपनी रानी चारुमती के साथ में राजसमंद की पाल पर बैठ के चांदनी रात के अंदर बातें कर रहे हैं, और चारुमती को वो बताते हैं कि हमारी शादी से पहले किस किस प्रकार की कठिनाइयां आई थी। जब वो चारुमती कहते हैं कि हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना सर काट कर दे दिया, रतन सिंह चुंडावत उस सर को अपने गर्दन गले में बांधकर अजमेर वाले युद्ध में क्या भयंकर लड़ा था, लड़ते हुए मारा गया, लेकिन उसने औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच पार नहीं करने दिया और युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और चारुमती पूछती है फिर क्या हुआ। राज सिंह जी मुस्कुरा के कहते हैं कि वो दोनों मारे गए इसलिए हम दोनों बैठे हैं। उस दिन उस युद्ध में उनमें से कोई भी एक गलती कर जाता कि चारुमती कह देती अपने पति को कि वापस आ जाओ, अब ना लड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो मेवाड़ हारता और उस दिन अपनी शादी नहीं हो पाती। कि सतरी सेनानी चाहिए समर सलुम्बर धीस, समर में जाने से पहले सलुम्बर के उस राजा ने उस सती महिला से निशानी मांगी थी। चूड़ामण मेली सियान इन धन मेलेसिस, माँ सीता से जब निशानी मांगी गई थी चूड़ियां भेजी थी। ये महिला तो माँ सीता से भी महान निकली जिसने अपना सर काट कर भेज दिया था। इसलिए 2008 में जब राजस्थान में महिलाओं की पुलिस अलग से बनाई गई, उसका नाम रखा गया हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम है अपने जो महिला वाली बटालियन, उसका नाम ही क्या है, तो उस हाड़ी रानी का नाम क्या था,